सब्सक्राइब करें कैसीना मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम चैप्टर 19 इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका इंटीग्रल sec x into sec x plus tan x। तो हम क्या करते हैं, देखिए किस प्रकार सॉल्व किया गया है। गिवन है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इतना, तो sec x हमने क्या किया, इस दोनों में मल्टीप्लाई किया। तो देखिए आपका ये तो दिया हुआ है, तो sec x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे sec x into sec x, तो ये sec square x होगा। इसमें tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो sec x into tan x हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया है। देखिए तो sec square x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और इसका इंटीग्रेशन होता है sec x into tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, और प्लस कॉन्स्टेंट से ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। गिवेन है इतना, तो ये देखिए तो आपका फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये तो है आपका फॉर्मूला ही एक है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x dx। तो गिवन इंटीग्रेशन आई इक्वल इतना। अब देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है वो पाई बाई टू होता है। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू, इसके जगह हमने पाई बाई टू लिख दिया, और dx पाई बाई टू कॉन्स्टेंट होने के कारण बाहर आ गया, और dx बचा यहाँ पे, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो पाई बाई टू एक्स प्लस सी आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, ये है e का पावर 3 log x। देखिए कैसे सॉल्व है, i इज इक्वल टू e का पावर 3 log x dx। ठीक है, तो 3 को हम इस साइड पावर में लिख सकते हैं, ऐसा होता है ना जी फॉर्मूला, एक m log x इज इक्वल टू log x का पावर m। ये इसी फॉर्मूला पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x का होल क्यूब, ठीक है dx। अब देखिए e log x इज इक्वल टू होता है क्या, आपको मालूम होगा e log x इज इक्वल टू होता है x, मालूम है फॉर्मूला। तो यहाँ से तो आपका हट वन हो जाएगा, ये तो बचेगा x क्यूब, तो x क्यूब लिख दिए हम dx इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो हो गया आपका x क्यूब dx। ठीक है, तो इसका x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x फोर बाई x का पावर 4 प्लस अपॉन 4 प्लस ए, यानी x का पावर 4 अपॉन 4 प्लस ए, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, इंटीग्रेशन आई ये है log x, तो log x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि x log x माइनस x प्लस सी होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, या आप इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो जनरली सभी को याद रहता है log x का इंटीग्रेशन, तो मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए ये है sin x plus cos x upon under root 1 plus sin 2x। तो देखिए sin x plus cos x अपने क्वेश्चन जो है आपका इतना लिख दिया हमने sin x, इसको ऊपर वाला ये भी लिख दिया, इसको देखिए क्या किया अंडर रूट में 1 को हम क्या लिख सकते हैं sin square x plus cos square x, और sin 2x को 2 sin x into cos x ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 sin x into cos x। Now sin x plus cos x upon under root sin x square x a square plus b square plus 2ab। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये जो है आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है, तो लिख दिया हम होल स्क्वायर। तो देखिए रूट है स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ऊपर भी ए वाला बचेगा, तो देखिए तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या डी एक्स, तो डी एक्स बचेगा सिर्फ, तो इसका डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है एक्स, एक्स प्लस सी आपका आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन देख लीजिए, इंटीग्रेशन आई इजिक्वलिटी इतना, इंटीग्रेशन आई इजिक्वलिटी इतना दिया गया है आपका, तो 1 माइनस कॉस 2x इजिक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x होता है वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, लिख दिया हमने इसमें ये 2 2 कैंसिल, बचेगा साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और टेन स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट देखिए,
ये है साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इतना, तो हमने क्या किया, रूट एक्स को जेड मान लिया है, ठीक है। देन इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं यहाँ पे आता है, रूट एक्स को हम एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम किए हैं 1/2 एक्स का पावर 1/2 माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, ठीक है। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, यहाँ पे इतना हो गया, तो आया आपका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी जेड, ठीक है। तो ये 2 को इधर भेज दिए तो 2 डी जेड हो गया, रूट एक्स 1/√x डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी जेड हो गया, ठीक है। नाउ अब इसको वैल्यू को हम पुट करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन आपका इतना, तो साइन रूट एक्स, तो रूट एक्स को तो जेड माना है तो साइन जेड हो जाएगा, और डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 डी जेड, ठीक है। इतना तो 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, और ये बचा साइन जेड डी जेड। साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब इसको इसी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा सिर्फ, तो साइन जेड का इंटीग्रेशन माइनस को जेड और प्लस ए, ठीक है। तो -2 और जेड इज इक्वल टू क्या, रूट एक्स, तो कॉस रूट एक्स प्लस ए, इसमें जेड का वैल्यू पुट कर दिया गया, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है ये इंटीग्रेशन आई, या तो आपको देख कर ही मालूम चल रहा है कि ये सेकंड बस एक्स का फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन सेकंड बस एक्स होता है, तो मैंने डायरेक्ट ही इसको यूज पुट करके बना दिया है, ठीक है। ये वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर है, तो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना है, ये आपको चेक करता है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं। और हाँ फ्रेंड्स, आप भी अगर मेरी तरह दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या कीजिए, आप कम से कम अपने 5 दोस्तों को मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, और उनसे भी फर्दर कहिए कि वो भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि मेरे वीडियो जो है उन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँच सके जो इस साल या नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, तो आप शेयर जरूर करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया आपका, 10 देखिए, 10 है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। देखिए सेक कोसेक स्क्वायर एक्स को वैसे लिख दिया हमने, इतना है सेक स्क्वायर एक्स होता है 1+tan² x, इतना लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम 10² x को क्या किए हैं, कोट स्क्वायर में लिख दिए हैं, यानी 10² x जो कि क्या होता है 1/cot² x, तो लिख दिए 1/cot² x। अब हमने क्या किया, इसका इसका एलसीएम लिया, तो देखिए 1+cot² x हो जाएगा, और कोट स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो देखिए कोट स्क्वायर ऊपर आ गया है इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर हमने क्या किया, कोट स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर में चेंज किया, तो देखिए कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। लिख दिया हमने, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया, और 1+cot² x जो होता है वो कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो इसका भी चेंज कर दिया नीचे भी हमने, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, कोसेक स्क्वायर एक्स से इसमें मल्टीप्लाई किया इन दोनों में, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा, देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -cosec² x dx हो जाएगा, ठीक है। और नीचे यहाँ पर cosec² x, ठीक है। आपको नीचे वाला सिर्फ दोनों टर्म में डिवाइड दीजिए और अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, तो डिवाइड नहीं है तो बचेगा एक, एक तो कट जाएगा आपका, एक कटेगा तो एक बचेगा, तो हो जाएगा cosec² x dx, इसमें तो दोनों कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ यहाँ पर dx, तो dx लिख दिया है। cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cot x, तो लिख दिया, और इसका इंटीग्रेशन x, तो -x प्लस ए, आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 है 3 का पावर 2x+1 इंटीग्रेशन आज इक्वल इतना। अब देखिए ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट है, यानी 3 इज इक्वल टू है, तो एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन था ए एक्स अपॉन लॉग है, ठीक है। तीसरी फॉर्मूला पर हमने इसका इंटीग्रेट किया है, देखिए ए एक्स ए इज इक्वल टू 3, तो ए एक्स एक्स इज इक्वल टू 2x+1 अपॉन लॉग है, तो लॉग ए लिख दिया, देखिए लॉग ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल क्या है 3 है यहाँ पे, तो लॉग 3 कर दिया, और देखिए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड दे दिया है, समझ गए। ए इज इक्वल टू 3, देखिए ए इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 2x+1, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ए एक्स, तो ए एक्स देखिए लिख दिया अपॉन लॉग ए, तो लॉग ए यानी 3 लॉग 3, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से डिवाइड दे देना पड़ा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस फॉर्मूला के हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, फाइंड इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। हमने क्या किया, एक्स क्यूब को जेड मान लिया,
ठीक है, देन इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। नाउ थ्री जो था यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो 1/3 डी जेड हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी जेड हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर कोस क्यू एक्स डी एक्स ये ना है। नाउ यहाँ पे फ्रेंड्स आपका कोस क्यूब नहीं है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है। और नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं, नाउ फर्दर ये तो आपका कोस एक्स क्यूब जो हो जाएगा कोस जेड हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी जेड, ठीक है। तो 1/3 कॉन्स्टेंट है, दोबारा गया बच्चा कोस जेड डी जेड, तो कोस जेड डी जेड इसका इंटीग्रेशन साइन जेड, साइन जेड लिख दिया हमने प्लस सी। अब जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं क्या है, तो 1/3 साइन जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, इंटीग्रेशन इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसको यू और इसको भी यू इंटू भी यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पर इसको सॉल्व करते हैं। तो इवन आई इतना इसको यू माने थे, यू को कॉन्स्टेंट रखा है, भी को इंटीग्रेट किया, देखिए माइनस ये यू को डिफ्रेंशिएट किया जाता है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट, यानी इसका एक को डिफ्रेंशिएट किया और दूसरे को इंटीग्रेट किया, और फिर दोनों का जो आया प्रोडक्ट उसका इंटीग्रेशन लिया है ना, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, एक से ही रह जाएगा और माइनस इसका तो वन हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और इसका एक्स का एक्स हो जाएगा तो इंटीग्रेशन और एक बार करना है इसको, तो एक्स डी एक्स, ठीक है। एक्स ई का पावर एक्स और इसका इंटीग्रेशन माइनस ई का पावर एक्स प्लस ही हो जाएगा, ये जो है आपका आंसर हो गया, यानी इसको यू और भी पे सॉल्व कर दिया गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। आप क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर गिवन इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इतना, हमने क्या किया इसमें वन ऐड किया और वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन फिर नीचे वाले डिनोमिनेटर से एक एक पार्ट एक बार इसमें और एक बार माइनस वन में डिवाइड दिया, अलग अलग डिवाइड देकर अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। देखिए दो बार आ गया आपका इंटीग्रेट, फिर इसमें हमने डिवाइड देंगे तो बचेगा आपका क्या, बचेगा आपका सिर्फ वन, यानी डी एक्स बचेगा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, इसमें तो आपका क्या का इंटीग्रेशन है, ये देखिए टेन इन बस एक्स का इंटीग्रेशन इतना, इसका इंटीग्रेशन टेन इन बस एक्स हो जाएगा ए प्लस सी, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, ये है फाइंड इंटीग्रेशन डी एक्स गिवन आई इज इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। हमने क्या किया, कोस स्क्वायर एक्स से दोनों पार्ट्स में वन और साइन एक्स में अलग अलग डिवाइड देकर अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया, देखिए कोस स्क्वायर एक्स एक बार वन में और कोस स्क्वायर एक्स से साइन एक्स में डिवाइड दिया, ठीक है। तो वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो गया, और ये साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, लिख दिए ये टेन एक्स हो जाएगा, ये वन अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स और इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, फाइंड इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो गिवन आई इज इक्वल टू इतना, आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि ई का पावर एक्स इंटू फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है ई का पावर एक्स इंटू फंक्शन एफ एक्स होता है। उसी फंक्शन पर देखिए टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी फंक्शन एफ ये दिया हुआ है तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये दिया हुआ सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम करते हैं ई का पावर एक्स फंक्शन एफ एक्स हो प्लस सी होता है, ई का पावर एक्स फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या टेन एक्स, तो टेन एक्स कर दिया प्लस सी, ठीक है। जहाँ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टेन एक्स और एफ एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है देखिए एक्स अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स गिवेन है इतना, हमने क्या किया वन ऐड किया वन सब्ट्रैक्ट कर दिया डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हो गया, अब हमने क्या किया एक्स प्लस वन से एक बार इसमें एक बार माइनस वन में डिवाइड देकर अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया, देखिए क्या है। तो ये तो कट जाएगा तो बचेगा डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा। अब अगर आप इसको जेड मानते हैं तो ऊपर जो है वन डी एक्स जो है वो आपका डी जेड के बराबर हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लॉग ये जगह डी जेड अपॉन जेड यानी लॉग जेड, तो लॉग जेड इज इक्वल टू क्या लॉग जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वन,
तो लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी, ठीक है समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं, देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स आपका इंटीग्रेशन है, यह दिया हुआ है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है लेकिन एक्स तो है नहीं, ठीक है यह 2x+1 है, तो एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड दिए हैं तो आंसर हो गया सेक एक्स। आप इसको 2x+1 को एक्स मान लीजिए, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, तो सेक एक्स लिख दिया हमने एक्स इजिकल टू 2x+1, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड भी देना पड़ा हमें, ठीक है ये प्लस सी है, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है देखिए, ई लॉग कॉस एक्स डी एक्स गिवन आई इक्वल टू, इतना दिया है आपका ई लॉग एक्स इक्वल टू क्या आता है ई लॉग ए इक्वल टू ए, ठीक है तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स बचेगा, देखिए कॉस है एक्स, इसके बाद ये इतना ई जो है ये कैंसिल हो जाता है, तो बचता है सिर्फ ये यहाँ पे जो लॉग के साथ होता है ना वो बचता है, यहाँ देखिए कॉस लॉग के साथ क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बचा डी एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस सी आंसर। इस फॉर्मूला के आधार पे हमने सॉल्व किया है इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, इतना हमने क्या किया टेन इनवर्स एक्स को जेड मान लिया, देन इसका डिफ्रेंसिएशन किया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। नाउ इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, देखिए टेन इनवर्स एक्स को क्या माना जेड, और डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कितना है किसके बराबर डी जेड के बराबर, तो डी जेड लिख दिया, ठीक है तो जेड इंटू डी जेड, इसका इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी हो जाएगा। अब हमने क्या किया जेड का वैल्यू पुट कर दिया, जेड इज इक्वल टू क्या माना हमने टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स, तो हमने क्या किया देखिए लॉग एक्स को जेड मानना, देन इसका डिफ्रेंसिएशन किया, तो हो गया इसका लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, ठीक है तो नाउ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, देखिए लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या है इसको जेड माना, तो वन अपॉन जेड और डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी जेड, तो डी जेड ऊपर हो गया। अब इसका क्या होता है इंटीग्रेशन वन अपॉन जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड प्लस सी कर दिया, अब जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो मॉडुलस लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 दिया है क्या ई एक्स का ई एक्स अपॉन वन प्लस ई एक्स, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए हमने क्या किया वन प्लस ई एक्स को जेड मान लीजिए, देन इसका डिफ्रेंसिएशन किया, तो ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन पे आ गए हम ई एक्स डी एक्स इज इक्वल अपॉन वन प्लस ई एक्स, ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी जेड, तो डी जेड लिख दिया, और इसको तो जेड माना है तो जेड, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग जेड वन अपॉन जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड प्लस ए। अब हमने क्या किया जेड का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो लॉग जेड इज इक्वल टू क्या था देखिए वन प्लस सी एक्स, तो वन प्लस सी एक्स पुट कर दिया प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये आपका क्वेश्चन है लेट, हमने क्या किया देखिए फर्स्ट पार्ट को जेड मान लिया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को जेड माना, देन इसका डिफ्रेंसिएशन किया, था एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन देखिए वन, और इसका डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन डी जेड हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन पाइए, इतना इसको तो हमने क्या माना जेड, और ये वाला पार्ट किसके बराबर देखिए दिस पार्ट इज इक्वल टू डी जेड, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं डी जेड लिख दिए। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी, जेड का वैल्यू पुट कर दिया है बस वन बाई टू इंटू जेड इज इक्वल टू क्या एक्स माइनस वन बाई टू का स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दिया प्लस सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स का पावर फोर डी एक्स, तो हमने क्या किया वन प्लस एक्स का पावर फोर को जेड मान लिया, यानी डिनोमिनेटर को जेड मान लिया, देन इसका डिफ्रेंसिएशन किया, था डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा फोर एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, तो हमने ये देखिए फोर जो है मल्टीप्लाई में यहाँ पे तो इस साइड आएगा आर एच एस में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो बचेगा आपका यहाँ पे एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर डी जेड, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन पे आइए,
इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इतना है आपका, तो एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1/4 dz, तो 1/4 देखिए dz, 1/4 dz लिख दिया, ये तो हम इसको हम जेड माने तो जेड नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर के रूप में। नाउ 1/4 कॉन्स्टेंट है आपका, तो कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, अब बचा आपका 1/z dz, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/4 इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड प्लस सी, ठीक है। तो 1/4 लॉग जेड का वैल्यू पुट कीजिए, जेड का वैल्यू इक्वल क्या आपका 1 + x^4, देखिए जेड का वैल्यू पुट कर दिया है तो 1 + x^4 प्लस सी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम 25 देखते हैं, देखिए यह है इंटीग्रेशन x² / 1 + x³ dx, इसको इंटीग्रेट करना है, करते हैं। देखिए राइट, हमने क्या किया, 1 + x³ को जेड माना, देन इसका डिफरेंशिएशन किया, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया आपका 3x, 1 का तो डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 3x² dx इक्वल टू डिजिट का डिजिट, तो 3 को मल्टीप्लाई में 3 से आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आ गया 1/3 dz, ये हो गया x² dx इक्वल टू 1/3 dz, यानी x² dx इक्वल टू आपका किसके बराबर है, 1/3 dz के। नाउ इंटीग्रेशन पाइए, x² dx / 1 + x³ यही ना है, तो x² dx इक्वल टू इतना, तो 1/3 देखिए लिख दिया हम 1/3 dz, इसको तो जेड माने तो जेड हो गया नीचे, 1/3 कॉन्स्टेंट है तो बाहर, अरे बचा आपका 1/z dz यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग जेड प्लस सी, तो जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए आपका आंसर हो जाएगा, तो 1/3 log 1 + x³ प्लस सी आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 26 है आपका, क्या इंटीग्रेट cosec² x - cot x e x dx। जस्ट अभी हमने आपको इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन बताया है, टेन वाला जस्ट उसी पे है, देखिए गिवन है आई इज इक्वल टू इतना, तो देखिए हमने क्या किया, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में पीछे, ठीक है। तो देखिए ई का पावर एक्स ये फंक्शन है, आई आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, ये है यानी f(x) + f(x) फॉर्म में है, ठीक है। इसका जानते हैं कि अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स फंक्शन f(x), तो हम डायरेक्ट देख लीजिए कोटेक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -cosec² x, लेकिन -cotx, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +cosec² x हो जाएगा, तो देखिए है ना इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है, तो इसका डायरेक्ट ई एक्स का ई एक्स इंटू फंक्शन fx, एंड फंक्शन fx इज क्या -cotx, यानी ई एक्स इंटू फंक्शन fx इक्वल टू -cotx प्लस सी, माइनस 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 है बाहर आ गया तो बचा आपका ई एक्स इंटू cotx प्लस सी, ठीक है आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इवैल्यूएट इवैल्यूएट करना हमको, तो इंटीग्रेशन लॉग sin x dx / tan x, तो ये है इंटीग्रेशन इतना, तो देखिए 1/tan x को हम cot x लिख सकते हैं, 1/tan x है ना, तो cot x लिख सकते हैं, और ये लॉग sin x है, ये वाला जो दिया आपका लॉग sin x, अब हम क्या करते हैं लॉग sin x को जेड मान लिया, इस वाले पार्ट को जेड माना, देन इसका डिफरेंशिएशन किया, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन एक्स तो है नहीं साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएटिव हो जाएगा इसका कॉस एक्स, ठीक है समझ गए आप, मान लीजिए साइन एक्स को एक्स मान लीजिए, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन एक्स तो है नहीं साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है इज इक्वल टू डी जेड, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, समझ गए। नाउ आगे देखते हैं इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, देखिए कॉट एक्स इसको तो हमने जेड माना है, तो लॉग साइन एक्स का जेड, ठीक है जेड लिख दिया हमने, और ये देखिए कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, डी जेड पुट कर देते हैं, कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी जेड, कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, तो डिजिट लिख दिया। अब देखिए जेड सिर्फ यहाँ पर जेड है, तो इसका इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो वाई इज इक्वल टू 1/2, जेड इज इक्वल टू क्या लॉग साइन एक्स था, तो लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, sin√x / √x dx, तो हमने क्या किया रूट एक्स को जेड माना, देन इसका डिफ्रेंसिएशन किया, तो डिफ्रेंसिएशन हो गया 1/2√x dx डिजिट, तो 2 साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 dz इज इक्वल टू 1/√x dx, यानी 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dz। नाउ इंटीग्रेशन पे आइए, इंटीग्रेशन आपका ये है, तो sin√x, √x को जेड माना था जेड लिख दिया,
और dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू टू dz, तो ये भी लिख दिया टू कॉन्स्टेंट का, तो बाहर s sin z dz हो जाएगा। नाउ sin z का इंटीग्रेशन माइनस cos z, तो माइनस cos z कर दिया प्लस ए, माइनस साइन बाहर तो माइनस टू cos z प्लस ए। अब हम z का वैल्यू पुट करते हैं, z का वैल्यू क्या है रूट एक्स है, तो माइनस टू cos रूट एक्स प्लस ए आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जस्ट ऐसा ही हमने जस्ट ये सॉल्व किया ना, जस्ट वैसा ही इसको भी सॉल्व करना है। देखिए हमने रूट एक्स को जेड मान लिया, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, देन 2 की साइड लाया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचा डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू टू डी जेड। नाउ इंटीग्रेशन का ये कॉस रूट एक्स यानी कॉस रूट एक्स को जेड, तो कॉस जेड और डी जेड डी एक्स अपॉन रूट एक्स इक्वल टू टू डी जेड, ये पुट कर दिया टू कॉन्स्टेंट था बाहर। अब बचा आपका कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड प्लस सी, तो जेड का वैल्यू पुट कर दिया तो टू साइन रूट एक्स प्लस सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इवैल्यूएट 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस ठीक है डी एक्स। हमने किया वन क्या किया 1 प्लस लॉग एक्स को जेड मान लिया, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड ठीक है। यानी देखिए डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी जेड के बराबर है, यहाँ पे तो ये इसको जेड मारा था, जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड हो जाएगा। देखिए अपन इंटीग्रेशन ही ना है, तो इसको तो हमने क्या माना जेड, तो ये जेड स्क्वायर हो गया और ये डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी जेड के बराबर है, तो डी जेड लिख दिया। अब देखिए जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब जेड क्यूब अपॉन 3 प्लस सी ठीक है। तो जेड का वैल्यू पुट कर दिया, जेड का वैल्यू क्या है 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 है क्या, अब अगर आप इसको x मानते हैं इसको टोटल को, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो tan x लिख दिया, लेकिन x का कोएफिशिएंट क्या है देखिए -1 है, तो -1 से डिवाइड भी देना पड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया -10 sin -x + c आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, इवैल्यूएट इतना हमने क्या किया 3 प्लस टेन एक्स को जेड माना, देन इसका डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन किया तो आपको देखिए 3 का तो 0, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। नाउ इंटीग्रेशन का ये y इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है sec स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी जेड, एंड ऊपर वाला पार्ट क्या है इसके डी जेड के बराबर है, तो डी जेड लिख दिया, और नीचे वाला पार्ट को हमने तो जेड माना, तो जेड लिख दिया 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन log जेड प्लस सी ठीक है। अब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन आई इक्वल टू लॉग जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जेड का वैल्यू क्या है 3 प्लस टेन एक्स के बराबर है, तो लिख दिया उतना प्लस सी आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को जरूर शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।